सो हे गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। सो गाइस, फाइनली ये जो मेरा गूगल एडसेंस पिन है ये मुझे रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये गूगल एडसेंस पिन कब मिलता है और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसे वेरीफाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये सभी कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर दोस्तों आप एक यूट्यूबर या ब्लॉगर हैं तो दोस्तों आपको एडसेंस अकाउंट सबसे पहले बनाना पड़ता है। एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों आपको एडसेंस अकाउंट में $10 मिनिमम अर्निंग करना पड़ता है। अगर दोस्तों आप $10 अर्निंग कर लेते हैं, आपके एडसेंस अकाउंट के होम पेज पर $10 एड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपके एडसेंस अकाउंट में एक्शन बटन का ऑप्शन आ जाता है। एक्शन बटन का ऑप्शन आने के बाद दोस्तों आप जैसे ही एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वहां डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों आप वहां पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी कुछ वहां आप अपलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसमें से कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो डन हो जाता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डन होने के बाद दोस्तों ये जो एडसेंस पिन है ऑटोमेटिक आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप कोई क्षेत्र, मतलब रूरल क्षेत्र से, आप देहात क्षेत्र से है तो वहां दोस्तों आपको आने में 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं। दोस्तों, आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो कितना फास्ट काम करता है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर दोस्तों आप किसी शहर या किसी सिटी से हैं तो आपका जो ये 1 से 2 हफ्ते में आपके एड्रेस पे ये एडसेंस पिन पहुंच जाता है। दोस्तों, मुझे 1 महीने 10 दिन लगा है इसे आने में। तो दोस्तों, मैं 1 महीने 10 दिनों में इसे मैं रिसीव किया हूं। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसे आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने एडसेंस अकाउंट से। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूं, वहीं मैं आपको सभी कुछ बताता हूं। दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहां सर्च बॉक्स में सिंपली सर्च करना है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस सर्च करने के बाद दोस्तों यहां कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल एडसेंस का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो नीचे आपको स्क्रॉल करते आ जाना है और दोस्तों यहां आपको वेरीफाई का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां वो 6 डिजिट का जो नंबर था वो यहां आपको डाल देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहां से डाल देता हूं। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहां से इसे सबमिट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप भी अपने गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप भी अपने गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।